हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ब्यूटी टिप्स लेके आई हूँ, जो है नीम का फेस पैक। जी हाँ, ये नीम का फेस पैक मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं नीम का फेस पैक आप लोगों के लिए बताऊंगी। जब मैंने नीम का पाउडर घर पे बनाया था, उस टाइम पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं नीम का फेस पैक आप लोगों के लिए बताऊंगी कि मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं दो स्किन के लिए बताऊंगी, एक ऑयली स्किन और एक ड्राई स्किन। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हम नीम का फेस पैक कैसे बना सकते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने नींबू लिया है, गुलाब जल लिया है और ये नीम पाउडर लिया है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, ये आपको ऑयली स्किन के लिए यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको ये तीन चीज़ें यूज़ करना है। तो नींबू में क्या होता है, नींबू हमारे फेस के लिए कैसे काम करता है। नींबू में एसिट्रिजेंट गुण होता है, जो हमारे स्किन का ऑयल कम करता है। और जो रोज़ वाटर है, वो हमारी स्किन को अच्छे से क्लींस करता है, मॉइस्चराइज़र लेके आता है और एक रिफ्रेशमेंट पैदा करता है। अब नीम की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि नीम में एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, जो हमारी जो फेस का मतलब जो जैसे डस्ट वगैरह और ये सब होती हैं, उससे मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने में मदद करता है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, ये आपको ऑयली स्किन के लिए है। अब बात करते हैं ड्राई स्किन की। तो ड्राई स्किन के लिए हमें ये तीन चीज़ें ऐड करनी हैं, नीम पाउडर, हल्दी और नारियल तेल। तो ड्राई स्किन में क्या होता है, ज़्यादातर हमारा चेहरा ड्राई हो जाता है। तो ये नीम पाउडर का तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एंटीसेप्टिक है और एंटी ऑक्सीडेंट है। हल्दी का, जैसे हल्दी का तो सबको नॉर्मली पता ही होता है कि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है। बहुत सी चीज़ों में हल्दी हम यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर नॉर्मली हल्दी और बेसन भी आप लगाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। मगर अगर आपको नीम पाउडर के साथ लगाना है तो आप हल्दी और ऑयल जरूर ऐड कीजिएगा। ऑयल कौन सा, ये पैरासूट का जो कोकोनट ऑयल है, नारियल तेल वो ऐड करिएगा। नारियल तेल हमारे रूखेपन को हटाता है, इसलिए ड्राई स्किन वालों को ये तीन चीज़ें ऐड करनी हैं। तो क्या करना है आपको, इन तीनों चीज़ों को लगा के फेस पे अप्लाई करना है, एक पैक बना के फेस पे अप्लाई करना है और 10 से 15 मिनट तक छोड़ देना है सूखने तक। और जब सूख जाए तो उसे ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। उसके बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र जो भी आप अप्लाई करते हैं वो आप लगा सकते हैं। और ऑयली स्किन वालों को क्या करना है कि ये पैक लगा के आपको 15 मिनट तक रखना है। और पहले पैक लगा के आपको हल्का नॉर्मली स्क्रब करना है और फिर उसे सूखने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। तो सो गाइस, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दोनों स्किन के लिए बताया है, ऑयली स्किन और ड्राई स्किन के लिए नीम का फेस पैक। और ये नीम का पाउडर मैंने होममेड ही बनाया है, घर पे ही बनाया है, मार्केट का नहीं है। आप घर पे ही इजीली नीम को लेके आई, नीम की पत्तियां को लाइए, उनको धो के अच्छे से सुखा के 2-3 दिन की धूप में अच्छे से सुखा के, एकदम जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद इजीली आप उसको मिक्सर ग्राइंडर ग्राइंड कर लीजिएगा और घर पे आराम से नीम का पाउडर आप बना सकते हैं। और नीम का फेस पैक आप इजीली घर पे ही बनाकर लगा सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। और पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी के साथ या नेक्स्ट आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ या कुछ भी मतलब जैसे ब्यूटी टिप्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।